तुम्हारे साथ आओ। इतनी बड़ी हवेली किसकी हो सकती है? ये दीवान महल है, यहां कोई नहीं रहता। मैं भी यहां पहली बार आया। वैसे तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जारा है। मैंने और मेरे भाई ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी। दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहां पर आया और कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए उसे ढूंढने मैं यहां पर आई हूं। और बाहर बगीचे में एक डरावना सा आदमी था, अगर आप नहीं होते तो वो आदमी मुझे मार डालता। देखिए, मेरे भाई को ढूंढना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा सारा। वैसे भी मुझे आज की रात इस हवेली में गुजारनी है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से जरूर मिला। चलो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरा नाम जॉय है।
कुछ कह रहे थे कि आप इस हवेली में एक रात गुजारना चाहते हैं, पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं एक राइटर हूं और आत्माओं पर रिसर्च करने आया और उन पर एक कहानी लिखना चाहता हूं। आत्माओं पर? तभी तो ऐसी जगहों पर आते जाते रहता हूं जहां पर आत्माओं का वास होता है। डरो मत सारा, हो सकता है वहीं पर तुम्हारा भाई मिल जाए। मैं हूं ना, चलो पर संभल कर। तो कोई नहीं है। आत्मा आग से डरती है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। Excuse me, आपने किसी लड़की को देखा? आवाज तो यहीं से आई थी। हेलो मैम, मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि डॉक्टर भानोट की किताब आत्माओं का हमला में लिखा था, जब सुशील के ऊपर वो आत्मा हमला करती है तो सुशील एक लंबी सी सांस लेकर उसके बालों को हाथ में जकड़कर जोर जोर से खींचता है
और देखते ही देखते वो आत्मा गायब हो जाती। मुझे भी यही करना होगा। आज फिर डॉक्टर भानोट की कहानियों ने मुझे बचा लिया। उसे खत्म कर देगा।